क्लास एट्थ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। वॉट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन। कमला ने 26,400 रुपीज़ बैंक से बोरो किए टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15%। वॉट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months। देखिए जब भी टाइम में इस तरह का कुछ रहेगा ना, 2 years, 4 months, 2 years, 2.5 years, तो पहले का जो 2 years है ये तो हम फाइंड आउट करेंगे कंपाउंडेड फॉर्मूले से, और जो ये 4 months हमें ये हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले से। देखते हैं कैसे करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, एन दिया है और कंपाउंडेड एनुअली दिया है। इन दो वर्ड्स का आप जरूर ध्यान रखिएगा, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी इसमें एनुअली बोला है तो हम एनुअली सॉल्व करते हैं। 2 years 4 months का है तो पहले हम क्या करेंगे, 2 years का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इक्वल टू पी 1+R अपॉन 100 के पावर n। पी पता है, आर पता है और एन पता है, हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। 15 और 100 इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 5 3 15 एंड 5 2 20 और फिर 3/20। अब इसका हम करेंगे एलसीएम, 20+3 एलसीएम किया हमने, 20+3 23/20 की पावर 2। अब ये पावर 2 है तो इट मींस इसको कितना टाइम्स लिखेंगे हम, 2 times लिखेंगे। तो 26,400 मल्टीप्लाई 23/20 मल्टीप्लाई 23/20। फिर अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे और सॉल्व कर लेंगे किस तरह से ये होगा। अब इसका हमने सबका मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली, अमाउंट हमारा मिला 34,914। अभी आप इसमें देखिए, हमने 2 years का फाइंड आउट किया है, अभी इसमें नेक्स्ट और क्या है, 4 months का। अब 4 months को जब हम आप लिखते हैं, जनरली 4 months को अगर हम ईयर में लिखेंगे तो 4/12, 1 year में 12 months होते हैं तो 4/12, इसको 1/3 भी कर सकते हैं। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू क्या होगी जो अभी हमें अमाउंट में मिली थी, आर की वैल्यू 15 है और टी की वैल्यू 4/12 है, 4 months बचे ना हमारे तो 4/12। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 1745.70। अब देखिए एक अमाउंट ये आया है और एक इंटरेस्ट ये आया है, क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाएगा। मींस उसने जो 26,400 का जो बैंक से लोन लिया था उसका टोटल अमाउंट उसको 2 साल में कितना पे करना पड़ेगा, 36,659.70।